सांसद नवनीत राणा को जमानत मिलने के बाद दिल्ली में सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने सांसद नवनीत राणा से मुलाकात की। राणा दंपति पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने का आग्रह करने पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। राणा दंपति को उस मामले में 12 दिन जेल में बिताने पड़े थे। अदालत ने राणा दंपति को जमानत दे दी है, इसीलिए राणा दंपति दिल्ली चले गए। दिल्ली में राणा दंपति ने नेताओं के साथ बैठक की है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया दिल्ली पहुंच गए हैं, इसीलिए उन्होंने सांसद नवनीत राणा से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे माफिया पुलिस कमिश्नर संजय पांडे यांनी कोणतीही कसर सोडली नाही आहे। रवी राणा असो, नवनीत राणा असो, हद म्हणजे पोलीस कमिशनरला फक्त ठराविकच गोष्ट ऐकायला येते। संजय राऊतने 20 फूट खोल खड्डा खणायचा आणि त्यात तुम्हाला गाडणार अंतिम संस्काराची व्यवस्था झालेली आहे, एवढी खुलेआम धमकी आणि पोलीस कमिशनर झोपा काढतात। खासदार आमदाराला अशा प्रकारचं त्यांचा हत्या करण्याची धमकी दिली जाते, हा विषय अत्यंत गंभीर आहे। मी पण लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेणार आहे, कारण की माझा समोर माझा उपस्थितीत मी खार पोलीस स्टेशनला होतो। पहिल्या मजल्यावर माझ्या सोबत 5 पोलीस ऑफिसर बसले होते, वरच्या मजल्यावर राणा दाम्पत्यांना कोठडीत टाकलं होतं आणि खाली 80 शिवसैनिक पोलीस स्टेशनच्या प्रटांगणात त्यांचा विरुद्ध धमक्या शिव्या देत होते। उद्धव ठाकरे साहेब, तुमची माफियागिरीचा अंत आणल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही। सर हिंदी में बता दीजिए सर, मुलाकात की आप लोगों ने क्या कुछ बात हुई है, आगे किस तरीके के आप लोग स्टेट मेरे मेरे मित्र सांसद गोपाल शेट्टी और मैंने रवि राणा नवनीत राणा से काफी चर्चा हुई, उनके प्रकृति के बारे में। जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे वो माफिया जैसा प्रशासन का पुलिस का उपयोग कर रहे हैं, ये सिर्फ चिंता की बात नहीं है, लेकिन माफियाओं को हम ठिकाने पे लाएंगे। हद कर दी है उद्धव ठाकरे जी ने, सांसद और विधायक को धमकी देते तेरी लिए दफन व्यवस्था तैयार हो गई है, 20 फुट खड्डा और तुझे दफना देंगे। ये इस प्रकार की भाषा सिर्फ माफिया सरकार कर सकती है। मैं स्वयं लोकसभा अध्यक्ष से मिलने वाला हूं और उनसे कहने वाला हूं कि ये जो माफियागिरी चल रही है, कल मैंने गृह सचिव केंद्र के उनसे भी मुलाकात करके उनको भी ये सब बातें बताई है। उद्धव ठाकरे की माफिया सरकार का अंत लाकर ही हम स्वस्थ बैठेंगे। पीएमसी ने अभी नोटिस दिया है रवि राणा और नवनीत राणा, कैसे देखते हैं? अतः मुख्यमंत्री के गाल दो ही है, अभी कभी नीचे की कोर्ट, कभी सेशंस कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कितने तमाचे मारे। उद्धव ठाकरे का गाल देखा है आपने? मुंह सूज, पूरा सूजन आ गई है। अब वो माफिया पुलिस कमिश्नर कहां है? इनके पास से एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। अरे संजय पांडे साहब, हिम्मत है तो सुप्रीम कोर्ट से एक्सप्लेनेशन मांगो। आपने राजद्रोह की कलम सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी, उसके बाद में पुलिस कमिश्नर धमकी देते हैं। उस पुलिस कमिश्नर की माफियागिरी का भी हम जल्दी अंत लाएंगे। शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली है नवनीत राणा। अरे भैया, रोज हिंदुस्तान के करोड़ों लोग या हनुमान चालीसा, राम भक्त हनुमान का पूजा करते हैं। हम हनुमान के भक्त हैं और हनुमान के भक्त जब भी रावण पैदा होते हैं उसकी लंका को जला कर रखते हैं। हम रोज हनुमान की भक्ति करते हैं। शिवसेना सुद्धा हनुमान चालीसा वाचणार आहे पंढरी मंदिरामध्ये, अमरावतीमध्ये जागृत पंढरी हनुमान मंदिरात, याकडे कसं? उद्धव ठाकरे मध्ये हिम्मत असेल तर मंदिरात जाऊन त्यांनी हनुमान चालीसा, राम भक्त सगळे भजन आणि कीर्तन बंद करवाव्या।
अरे डरपोक आहे आमचा मुख्यमंत्री, कसले जाणार आहेत ते मंदिरात, हिम्मत असेल तर जाऊन दाखवा. तुमच्या तुम्हाला झेड सिक्युरिटी आहे, नवीन तरणांना वाय सिक्युरिटी आहे, तरी सुद्धा सिक्युरिटी ब्रीच होतोय, याच्यावर काय कॉग्निझन्स घेतले का होम मिनिस्ट्रीने? जो रिपोर्ट मागितला होता त्या संदर्भामध्ये काय झालंय का? सर्टनली आता संजय पांडेंना कळणार की ठाकरे परिवाराचे पोलीस कमिशनर म्हणून माफियागिरी करण्याची किंमत चुकवावी लागणार. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर. Yes.